places. Let's directly jump on to the first question, and after that we see the concepts of races in detail. Okay, so this is very general question of races. That is, A beats B by 15 meters in a 100 meters race, and B beats C by 12 meters in the same race. So A ne C ko kitne distance se beat kiya hoga? So basically, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक आइडिया लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है. तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक 100 मीटर का रेस ट्रैक है. तो पहली लाइन हमें बोलती है कि ए ने बी को बीट किया बाय 15 मीटर्स. तो मतलब कि जब ए ने रेस कंप्लीट कर ली होगी तो जो बी होगा वो कहीं यहाँ पे होगा और उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 15 मीटर्स का. अभी नेक्स्ट लाइन हमें बोल रही है दैट बी बीट सी बाय 12 मीटर्स इन द सेम रेस. तो हम दोबारा से एक रेस ट्रैक इमेजिन करते हैं कि 100 मीटर का है. तो जब बी ने रेस कंप्लीट कर ली होगी तो सी कहीं इतनी डिस्टेंस पे होगा 12 मीटर. तो अब फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया होगा. तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, इसको करने के काफ़ी तरीके हैं. तो जो मेरे को दो तरीके सबसे आसान लगते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं. तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत आसान है. तो सबसे पहली चीज़ हमें दे रखी है कि ए ने बी को 15 मीटर से हराया. मतलब कि जब ए 100 मीटर पे होगा तो बी होगा हमारा 85 मीटर पे. तो क्योंकि जितने टाइम में ए ने 100 मीटर कवर किया होगा उतने ही टाइम में बी ने 85 मीटर कवर किया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टी है वो एक कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे. और हमें पता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो रहेगा 100:85. ये है हमारा ए इज टू बी. अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब बी ने 100 मीटर कवर किया तो सी उससे 12 मीटर पीछे था. मतलब उसने 88 मीटर कवर किया. अब सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी लगाया ए इज टू बी के लिए, अब हम लगाते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट बी इज टू सी के लिए. तो फिर से जितने देर में बी ने 100 मीटर कवर किया उतनी ही देर में सी ने 88 मीटर कवर किया. टी इज कॉन्स्टेंट अगेन, देयरफॉर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. तो यहाँ पे B इज टू C का जो स्पीड का रेशियो होगा वो होगा 100:88. अब हम आते हैं बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी. अब हमारे पास है A इज टू B का रेशियो जो कि है 100:85, और हमारे पास है B इज टू C का रेशियो जो कि है 100:88, और हमें चाहिए फाइनली A इज टू C का रेशियो. तो अगर हम यहाँ पे b की ये दोनों वैल्यूज को कर दें इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज टू c का रेशियो और हमें चाहिए एग्जैक्टली वही. तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करने के लिए मुझे करना पड़ेगा a इज टू b रेशियो को मल्टीप्लाई 100 से, और 100:88 के रेशियो को इक्वल करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इस रेशियो को मल्टीप्लाई 85 से. तो जब मैं दोनों रेशियोज को उनकी स्पेसिफिक वैल्यू से करूंगी मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो एक नया रेशियो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. तो हम करेंगे 85 को 88 से मल्टीप्लाई, तो बनता है 7480. तो अभी हमें फाइनली चाहिए A इज टू C का रेशियो जो कि है 10,000:7480. तो अभी हमें इस रेशियो से क्या पता लगता है कि जब A ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा तो C ने 7480 डिस्टेंस कवर किया होगा. लेकिन क्योंकि हमारा रेस ट्रैक 100 मीटर है तो अभी हमें इस चीज को 100 मीटर में सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा.
और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो ही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो अगर हम ये कहते हैं कि जब ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो सी यहाँ पे है अगर, तो हम अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो दैट विल टेल दैट सी वॉज दिस मच मीटर्स बिहाइंड ए. तो कितना डिस्टेंस बैठा है इन दोनों के बीच में हमारा 2520, तो 10,000 - 7480 विल बी इक्वल टू 2520. अब क्योंकि ये तो हमारे लिए रेस ट्रैक अगर 10,000 मीटर हुआ तो हमारा इतना डिस्टेंस होगा ए और सी के बीच में, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे रेस ट्रैक 100 मीटर है तो हम कर देंगे इस वैल्यू को 100 मीटर के लिए रिड्यूस, जिससे आता है फाइनल आंसर हमारा 2.25.2 मीटर. मतलब कि ए ने सी को 25.2 मीटर से बीट किया. तो ये होता है हमारा पहला तरीका जनरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. अब हम इसी क्वेश्चन के लिए देखते हैं दूसरा तरीका, फिर आप दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप वो एग्जाम में कर सकते हैं. चलिए अभी दूसरा तरीका है कि ए ने बी को किया 15 मीटर से बीट, मतलब बी था 85 मीटर पे. अब हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड. अब हम बोलते हैं कि जब बी 100 मीटर पे था तो सी था 88 मीटर पे, मतलब उसने उसको हराया 12 मीटर से. तो अगर ये हमारा एक रेस ट्रैक है, सी अगर 88 पे है और बी जो है हमारा वो 100 मीटर पे है, और तो अब हम ये कह सकते हैं कि सी जब 12 मीटर बिहाइंड था तो जो हमारा बी था वो 100 मीटर पे था. तो जब सी बी से 1 मीटर बिहाइंड होगा तो बी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 100/12, दिस इज इक्वल टू 8.33. मतलब कि जब बी स्टार्टिंग में 8.33 मीटर पहुंचा होगा तब सी उससे 1 मीटर बिहाइंड होगा. तो मतलब कि हर 8.33 मीटर बढ़ते बढ़ते सी का बी से 1-1 मीटर का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था. तो अगर अब हम ये निकाल लें कि जब बी 85 मीटर पे था तो सी कितना पीछे था बी से, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि सी उस टाइम ए से कितना दूर था. तो अब क्योंकि हर 8.33 के डिस्टेंस पे सी 1 मीटर पे था, तो अगर हमें यही वैल्यू 85 के लिए निकालनी है तो हम कर देंगे 8.33 को 85 से डिवाइड. दिस विल गिव अस कि सी बी से कितना बिहाइंड था जब बी 85 मीटर्स पे था. इससे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10.2. अब हम थोड़ा रेस ट्रैक फिर से इमेजिन करते हैं. तो रेस ट्रैक अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अगर ये हमारा रेस ट्रैक है और ए अगर 100 मीटर पे था और बी जो था वो था 85 मीटर्स पे, तो अभी जो हमारी 10.2 की वैल्यू आई थी वो हमें ये बता रही है कि जब बी 85 मीटर पे था तो सी उससे 10.2 मीटर पीछे था. तो अगर ये डिस्टेंस हमारा 15 है, ये डिस्टेंस हमारा 10.2 है, तो हमारा कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा 25.2. और यही आंसर आ रहा था हमारा पिछले वाले मेथड से. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जनरली ऐसे मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, आपको उस टाइम पे जो स्ट्राइक हो आप वो मेथड यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली कभी कभी अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज में दो चीजें यूज करते हैं.
जिसमें से पहली चीज आती है हमारे पास हेड स्टार्ट। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि ए गेव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, ए गेव अ हेड स्टार्ट टू बी ऑफ अबाउट 10 मीटर। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस लाइन, मतलब कि अगर ए ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ए ने अगर बी को हेड स्टार्ट दिया 10 मीटर से, मतलब कि जब ए ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो बी ने स्टार्ट किया 10 मीटर पहले से, तो मतलब कि अगर रेस ट्रैक की लेंथ 100 मीटर है तो अब क्योंकि बी के पास हेड स्टार्ट है 10 मीटर का, तो बी को कवर करना है 90 मीटर और ए को कवर करना है पूरा 100 मीटर। तो ये मतलब होता है हमारा हेड स्टार्ट से। एक बार फिर बता देते हैं व्हाट इज हेड स्टार्ट। तो जब एक रनर दूसरे रनर को अलाउ करता है एक्स मीटर्स आगे से भागने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि द रनर गॉट अ हेड स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स। यही चीज अगर हमें मीटर्स की जगह सेकेंड्स के फॉर्म में दे रखी हो तो हम यही कह सकते हैं कि रनर ने दूसरे रनर को 5 सेकेंड पहले दौड़ने के लिए अलाउ कर दिया। तो अगर वो पहले 5 सेकेंड दौड़ेगा तो ऑब्वियसली वो ए से पहले थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो ये होता है हमारा हेड स्टार्ट का कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस में जनरली यूज होता है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट जनरली लीनियर रेसेस के केसेस में हमारे पास आता है वो होता है बीट्स बाय एक्स मीटर्स और टी सेकेंड्स। अब हम इसका क्या मतलब समझें कि रनर ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स, मतलब कि ये अगर हमारा रेस ट्रैक है, ए अगर रनिंग 100 मीटर पे, मान लेते हैं 100 मीटर का रेस ट्रैक है, अगर ए 100 मीटर है तो अगर उसने बी को एक्स मीटर से हराया, मतलब कि बी वॉज एक्स मीटर्स बिहाइंड ए। और दूसरी चीज कि रनर ए बीट्स बी बाय टी सेकेंड्स, अगर यही चीज अगर एक्स मीटर्स की जगह लिखी होती टी सेकेंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ए फिनिशेस द रेस। अगर ए यहाँ तक पहुंच चुका है, उसने रेस फिनिश कर दी है, और अगर उसने बी को 5 सेकेंड से हराया है मान लेते हैं, तो मतलब कि उसको कुछ डिस्टेंस जो रह गया है ए से बी के बीच में, उसको पूरा करने के लिए अभी 5 सेकेंड और लगेंगे। मतलब कि ए फिनिशेस द रेस एंड बी विल टेक टी सेकेंड्स मोर टू फिनिश द रेस। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को और बेटर समझेंगे जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं वापस क्वेश्चंस पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने देखा, बीट्स बाय एक्स मीटर्स और टी सेकेंड्स। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इन अ रेस ऑफ 400 मीटर, सचिन बीट्स सौरभ बाय 100 मीटर और 20 सेकेंड्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ सचिन इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास एक 400 मीटर का रेस ट्रैक है। तो जब सचिन ने बीट किया है सौरभ को, दैट मींस कि जब सचिन ने रेस कंप्लीट कर ली होगी 400 मीटर की, तो सौरभ कहीं पीछे था 100 मीटर, मतलब कि 300 मीटर जब उसने रेस कवर करी तो सचिन ऑलरेडी 400 मीटर कवर कर चुका था। तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि टाइम टेकन बाय सचिन
to cover 400 meters is equal to time taken by Saurav to cover 300 meters. और एक और चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे अब कि सचिन बीट सौरव बाय 20 सेकंड्स, मतलब कि जब सचिन रेस कंप्लीट कर चुका, मान लेते हैं कि उसने टी सेकंड्स में रेस कंप्लीट करी, तो जब वो टी सेकंड्स में 400 मीटर पे था तो उन्हीं टी सेकंड्स में जो सौरव था वो 300 मीटर पे था और अभी उसको 20 सेकंड और लगेंगे जो डिस्टेंस रह गया है उसको कवर करने में. मतलब कि यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, जब अगर हमारे पास डिस्टेंस है कि सौरव को 100 मीटर कवर करना है 20 सेकेंड्स में, क्योंकि वो 100 मीटर बिहाइंड है और वो 20 सेकेंड से ऐसे हार गया, मतलब कि उसको अभी 20 सेकेंड और लगेंगे 100 मीटर कवर करने में. तो यहाँ से हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं कि अगर उसको 100 मीटर कवर करने में 20 सेकंड लगेंगे, मतलब वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. अब यहाँ से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो इससे हमारे पास आ चुकी है सौरव की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड. तो अब उसको 400, अब एक सेकेंड, अब हम ये कह सकते हैं कि उसने 300 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितनी देर में कवर किया होगा, 60 सेकेंड. और क्योंकि टाइम टेकन बाय सौरव टू कवर 300 मीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय सचिन टू कवर 400 मीटर, देयरफॉर सचिन ने 60 सेकेंड्स में 400 मीटर कवर कर लिया. तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं सचिन की स्पीड. तो सचिन ने 400 मीटर किया 60 सेकंड्स में कवर, विच इज इक्वल टू 20/3 मीटर्स पर सेकंड. तो ये है हमारे पास सचिन की स्पीड मीटर्स पर सेकंड के डिनोमिनेशन में. तो अब हम चेंज करते हैं इसको किलोमीटर्स पर आर, और वो हमें पता ही है कि जब भी हमें मीटर्स पर सेकंड से करना होता है किलोमीटर्स पर आर में चेंज, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से और ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर 24 किलोमीटर पर आवर इज आवर फाइनल आंसर. चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे. इन अ रेस ऑफ 200 मीटर रोमी बीट्स टोनी बाय 20 मीटर एंड गोनी बाय 50 मीटर. तो अब हमें ये बताना है बाय व्हाट डिस्टेंस टोनी वुड बीट गोनी इन अ रेस ऑफ 600 मीटर्स. तो सबसे पहले हमारे पास एक 200 मीटर का रेस ट्रैक है और हमें बोला गया है कि रोमी जब 200 मीटर पे था तो टोनी उससे 20 मीटर पीछे रहा होगा, तो मतलब कि उसने कवर किया 180. सिमिलरली उसने गोनी को हराया 50 मीटर से, मतलब जब वो खुद 200 पे था तो गोनी रहा होगा 50 मीटर पीछे, मतलब कि 150 पे. यहाँ पे कौन है? गोनी. अभी हमें ये सब जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये है हमारे पास 200 मीटर के लिए. अब हमें ये निकालना है कि यही अगर चीज हमें 600 मीटर के लिए निकालनी हो तो टोनी ने गोनी को कितने डिस्टेंस से बीट किया होगा. हमें निकालना है कि टोनी ने गोनी को कितने मीटर से बीट किया होगा. तो अभी दोबारा से इसमें रेशियो का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और वो मेथड भी काफी इजी है. तो अभी जब भी 200 पे था तो जब रोमी 200 पे था तो टोनी था 180 पे और गोनी जो था वो था 150 पे.
और क्योंकि इन्होंने ये सारे डिस्टेंस एक ही टाइम में ट्रैवल करे होंगे तो हम मान सकते हैं कि टाइम इज कांस्टेंट एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. सो देयरफॉर इनकी जो डिस्टेंस जो इनकी स्पीड्स होंगी वो भी इसी रेशियो में होगी. तो अब हम यहाँ से सिर्फ फोकस करेंगे बी इज टू सी के रेशियो पे, क्योंकि ये बी इज टू सी का रेशियो कॉन्स्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव कि रेस कितने मीटर्स की है, 200 मीटर, 300, 400, 600. तो मतलब कि जब उसने 200 मीटर की रेस में जब बी 180 पे था तो सी 150 पे था. अब अगर 600 मीटर की रेस होगी तो हमें निकालना है कि जब अगर जो टोनी है वो 600 पे होगा तो गोनी कितने पे होगा, और हमें ये रेशियो एग्जैक्टली इसी रेशियो में चाहिए जिसमें ये अभी है. तो मतलब हमें फाइनली जो निकालना है वो ये निकालना है कि 180 बाय 150 इज इक्वल टू 600 बाय x. तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी x की वैल्यू विच इज इक्वल टू 600 इंटू 15 बाय 180. नाउ लेट्स कैंसिल आउट एंड गेट द आंसर. दिस इज 9 इंटू 2. This will give me 3. This will give me 6. Again, this will give me 2. This will give me 20. This will give me 10. तो अल्टीमेटली जो हमारे पास यहाँ से कंप्लीट आंसर आता है हमारा वो आता है 100 मीटर. एक बार कैलकुलेशंस आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा x का वो होगा 100 मीटर्स. मतलब कि अगर 600 मीटर की रेस होती है तो टोनी गोनी को बीट करेगा 100 मीटर से. मतलब जब गोनी 600 पे होगा, टोनी जब 600 पे होगा तो गोनी 500 पे होगा. चलिए चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे. तो ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर सोनू बीट्स टोनू बाय 100 मीटर. If speed of Sonu is 35 kilometers per hour, तो speed of Tonu कितना होगा? फिर से अगर हमारे पास 1 किलोमीटर का रेस ट्रैक है और सोनू ने टोनू को 100 मीटर से हराया है, मतलब कि जब सोनू 1000 मीटर पे होगा which is 1 किलोमीटर, तो टोनू होगा 900 मीटर पे. तो मतलब कि यहाँ से हम फिर से क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, द टाइम इन विच सोनू रन्स 100,000 मीटर्स, तो टोनू रन्स 900 मीटर्स. तो उनकी जो टाइम कांस्टेंट होने की वजह से स्पीड एंड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. तो हम 1000:900 के ही रेशियो में डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल बैठेगा. तो यहाँ से हम अगर रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है हमारे पास 10:9. तो ये हो जाती है इनका स्पीड का रेशियो. और हमें ऑलरेडी सोनू की स्पीड दे रखी है जो कि है 35 किलोमीटर्स पर आवर. तो अगर हमें निकालनी है स्पीड ऑफ टोनू, सो दैट विल बी नथिंग बट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी, it's 9/10 × 35, which is equal to 31.5 kilometers per hour. This will be
the speed of tone. Abhi is question mein hai that A, B and C run a 5 km marathon race. So A beats B by 200 meters and C by 400 meters. So what is the ratio of the respective speeds of B and C? This question is very easy. Kyunki abhi humne har jagah ratios ka hi use karke, proportionality ka hi use karke speeds ka ratio nikala hai. To ab hum is wale question mein dekhte hain ki agar hamare paas 5 km marathon ki ek race hui hai aur A ne B ko beat kiya hai 200 meter se, matlab ki jab A ne 5000 meter which is equal to 5 km cover kar liya hoga to B ne cover kiya 200 kam which is equal to 400 meters aur C ne usi time 400 meter kam cover kiya matlab ki 4600. Ab kyunki A, B and C tino ne apna apna respective distance same time mein cover kiya to hum ye keh sakte hain ki time is constant. And kyunki speed is directly proportional to distance. So jo speeds hongi A, B, C ki, wo inke distance ke ratio mein hi hogi. To hum isko simplify agar karte hain, to 50:48:46. Ab question humse pooch raha hai, what is the ratio of the respective speeds of B and C? तो वो है 48:46. इसको और सिंपलीफाई अगर हम करते हैं, we cancel out 2, we get 24/23. तो ये होता है हमारा B and C के स्पीड्स का रेशियो. ठीक है, अब इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या अलग है. तो ये वाला क्वेश्चन में एक और जो हमने पढ़ी थी टर्मिनोलॉजी हेड स्टार्ट की, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है. तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं. इन अ पर्टिकुलर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स एंड सी बाय 28 मीटर्स. हाउएवर इफ बी गिव्स सी अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स देन द रेस बिटवीन बी एंड सी एंड्स अप इन डेड हीट. फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस. तो अब हमें ये गिवन नहीं है कि लेंथ ऑफ द रेस क्या है, तो हम कुछ भी अज्यूम करके चलें या कुछ भी करें कोई फायदा नहीं है. तो अब हम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द रेस जो है वो है एक्स. तो जब ए ने एक्स मीटर कवर किया तो बी उससे 20 मीटर पीछे था, तो इसने एक्स माइनस 20 मीटर्स कवर किया और सी था 28 मीटर्स बिहाइंड. तो सी ने 28, तो मतलब c होगा x माइनस 28 मीटर्स पे. अब हमें जो एक और इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि b ने c को हेड स्टार्ट दिया 10 मीटर से, मतलब कि जब b ने अगर x डिस्टेंस कवर किया है तो c उस टाइम पे x माइनस, तो सी ने उस टाइम पे x माइनस 10 डिस्टेंस कवर किया होगा. तो बेसिकली एक और ये ऐसा मैंने क्यों बोला है कि जब b ने x कवर किया होगा तो x माइनस 10 c ने कवर किया होगा, तो इसका मतलब ये होता है, ये चीज यहाँ से आ रही है कि हमें गिवन है कि द रेस बिटवीन b एंड c एंड्स अप इन डेड हीट. तो डेड हीट का मतलब ये होता है कि दोनों में से दोनों एक साथ रेसिंग लाइन दोनों ने फिनिश की है. हम ये नहीं कह सकते कि पहले बी पहुंचा या ए पहुंचा. डेड हीट का मतलब यही होता है कि दोनों ने रेस एक साथ खत्म की. तो मतलब कि जब बी ने एक्स डिस्टेंस कवर किया तो सी ने एक्स माइनस 10 कवर किया. और हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी ने सी को 10 मीटर्स का हेड स्टार्ट दिया. तो अब हम अपने पिछले क्वेश्चन से एक चीज का ध्यान रखेंगे कि चाहे किसी ने किसी को कितना भी हेड स्टार्ट दिया हो या फिर कितने भी सेकंड से जाने दिया हो आगे
या अगर हमें ऑलरेडी x मीटर्स का लेंथ ऑफ दी रेस दे रखा है और चाहे वो x हमारा 2x हो जाए 3x हो जाए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो b और c का स्पीड का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर b to c का जो स्पीड का रेशियो है वो है x माइनस 20 बाय x माइनस 28, तो ये इक्वल रहेगा x अपॉन x माइनस 10 के। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है और हमें इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है फॉर x। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 100 मीटर्स। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो फाइनली अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड दैट विल सम इट एवरीथिंग। सो संजय एंड समित कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर इन 81 सेकेंड्स एंड 88 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। सो बाय हाउ मेनी सेकेंड्स विल समित विन इफ ही हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 60 मीटर इन अ 660 मीटर रेस। ओके, सो अगेन इन दिस क्वेश्चन वी विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू हेड स्टार्ट। तो हमें गिवन है एक 660 मीटर का कोई भी एक डिस्टेंस है जो कि संजय ने कवर किया 81 सेकेंड्स में और समित ने कवर किया 88 सेकेंड्स में। अब दूसरी चीज जो हमें दे रखी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि बाय हाउ मेनी सेकेंड्स विल समित विन इफ ही हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। तो मतलब कि समित के पास हेड स्टार्ट था 60 मीटर्स का, मतलब कि अगर संजय ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो समित ने स्टार्ट किया थोड़ा आगे से 60 मीटर्स। तो यहां से समित ने स्टार्ट किया, तो मतलब अगर संजय ने पूरा 660 मीटर ट्रैवल किया तो समित ने ट्रैवल किया सिर्फ 600। अब हम यहां से निकाल सकते हैं इनके रिस्पेक्टिव स्पीड्स, लेकिन क्या हमें उस चीज की जरूरत है हम वो देखेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि समित ने जो 88 सेकेंड्स में कवर कर लिया पूरा डिस्टेंस, तो वो पूरा डिस्टेंस कितना है 600 का। मतलब कि समित ने 88 सेकेंड्स दे रखा था वो 660 मीटर के लिए दे रखा था। तो हम कह रहे हैं कि अगर समित ने 660 मीटर का डिस्टेंस 88 सेकेंड्स में कवर किया तो अगर 600 मीटर का डिस्टेंस उसने कितनी देर में कवर किया होगा। अगेन सिंपल यूनिटरी मेथड 88 बाय 660 इनटू 600। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 80 सेकेंड्स। और क्योंकि हमें ये गिवन है कि संजय ने 81 सेकेंड्स में 660 मीटर कवर किया, तो अब हमें फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मेनी सेकेंड्स विल समित विन। तो ही विल विन बाय 1 सेकेंड, एज इन लाइक 81 माइनस 80 विच इज 1 सेकेंड। तो हम एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हमें गिवन है कि संजय एंड समित कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर इन 81 एंड 81 सेकेंड्स। तो इससे हमारे पास ये था कि 81 एंड 88 इन दोनों ने इतने सेकेंड्स में 660 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर समित के पास 60 मीटर का अगर हेड स्टार्ट होता इसी रेस में 660 मीटर की रेस में तो वो कितने सेकेंड से समित से उससे संजय से जीतता। तो हमने क्या किया, हमने यूनिटरी मेथड लगाया क्योंकि उसने 88 सेकेंड्स में 660 मीटर कवर किया था। तो हमने अब ये निकाला कि वो 600 मीटर कितने सेकेंड में कवर करता। तो वहां से हमारे पास वैल्यू आती है 80 सेकेंड्स और संजय की 81 हमारे पास गिवन है, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है विच इज 1 सेकेंड। तो इसलिए 1 सेकेंड से समित
Sanjay ko hara deta. So this was the basic idea of time speed distances ka subtopic races. Mostly all the questions will be like this only or a little modification of it. So all the best. I'm Charu Gupta from Career Launcher. I hope you like the video. Thank you.